हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम देखेंगे कि हम माइक्रो स्विच को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये माइक्रो स्विच है जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसकी फोर लेग्स हैं। स्विच, हमें पता है कि स्विच सर्किट को क्लोज करता है और ओपन करता है। जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, और जब हम स्विच को रिलीज़ करते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है। इसका मतलब हमें दो ही टर्मिनल्स चाहिए, ये टर्मिनल्स जॉइन हुए और ओपन हुए। बट हम देख रहे हैं कि स्विच में फोर टर्मिनल्स हैं, तो ये टू टर्मिनल्स इसमें अंदर ही इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। टू टर्मिनल्स अंदर ही कनेक्टेड होते हैं, तो इसका मतलब दो ही टर्मिनल्स हैं। दो टर्मिनल्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और दो टर्मिनल्स नॉट कनेक्टेड हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं और कौन से नॉट कनेक्टेड हैं। ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में हम कॉन्टिन्यूटी के थ्रू टेस्ट करेंगे। आप इस नॉब को, ये देखिए, इस नॉब को हमने कॉन्टिन्यूटी में रख लिया है। अब अगर हम इन दोनों लीड्स को जॉइन करेंगे तो देखिए, ये हमें ज़ीरो दिखा रहा है। आपके मल्टीमीटर में बीप भी आ जाएगी। इसका मतलब अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि कनेक्शन कनेक्टेड है। देखिए, जैसे ये वायर है, अगर मुझे देखना है कि क्या ये वायर पूरी कॉन्टिन्यूस है, क्या ये पूरी कनेक्टेड है। देखिए, मैंने एक टर्मिनल को यहाँ रखा, मैंने अपनी ब्लैक लीड इसके साथ ज्वाइन की और रेड लीड इसके साथ ज्वाइन की, तो देखिए इसने मुझे कंटिन्यूटी दिखाई, ज़ीरो दिखाया। इस मीन्स ये वायर पूरी जॉइंड है, इस पूरी कॉन्टिन्यूटी है इस वायर में। अब हम देखते हैं कि हम अपना स्विच कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। ये देखिए, अगर आप अपनी, देखिए ये एक्सपीरियंस के थ्रू है, अगर आप अपनी नेकेड आई से देखेंगे, दो लेग्स जो हैं ये थोड़ी सी दूर हैं। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है इन लेग्स के अंदर, और अगर आप इस साइड से देखेंगे तो लेग्स के अंदर डिस्टेंस कम है। तो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें पता है कि ये जो जिन दो लेग्स में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये इंटरनली कनेक्टेड है। इट मीन्स ये दोनों लेग्स इंटरनली कनेक्टेड हैं और ये दोनों लेग्स इंटरनली कनेक्टेड हैं। मीन्स ये लेफ्ट, ये राइट साइड की दोनों लेग्स आपस में इंटरनली कनेक्टेड हैं और लेफ्ट साइड की दोनों लेग्स इंटरनली कनेक्टेड हैं। और जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट साइड की दोनों लेग्स जॉइन हो जाएंगी। मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ जॉइन हो जाएगा जब हम स्विच को प्रेस करेंगे। वैसे ही बैक साइड की भी दोनों लेग्स जॉइन हो जाएंगी जब हम स्विच को प्रेस करेंगे। तो चलिए यही चीज़ हम मल्टीमीटर के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों लेग्स, राइट साइड की दोनों लेग्स, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं विदाउट प्रेसिंग द स्विच। ये देखिए, मैंने ब्लैक लीड से इस लेग को पकड़ा और मैंने, ये देखिए, मैंने ब्लैक लीड से इस लेग को पकड़ा और मैंने रेड लीड से इस लेग को ज्वाइन किया। देखिए, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, अभी मैंने स्विच प्रेस नहीं किया। सिमिलरली, अगर मैं अदर टू साइड की लीड्स को पकड़ूंगी तो ये देखिए, स्विच अभी हमने प्रेस नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों लेग्स और ये दोनों लेग्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं इन दोनों, ये देखिए, फ्रंट की दोनों लेग्स को मैंने देखा, ये देखिए, देखिए ये कनेक्टेड नहीं है। जब मैं स्विच को प्रेस करूंगी, ये देखिए, अब मैंने स्विच को प्रेस किया तो ये कनेक्ट हो गई, मैंने छोड़ा डिसकनेक्ट हो गई। स्विच को प्रेस किया, जब हम स्विच को प्रेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों लेग्स राइट हैंड साइड की दोनों लेग्स के साथ कनेक्ट हो गई, सर्किट क्लोज हो गया। ये देखिए, सिमिलरली ये बैक साइड की, ये मैंने इसको ब्लैक से पकड़ा
और इसको रेड से पकड़ा और स्विच को जब हम प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो ऐसे हम अपने माइक्रो स्विच को मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने स्विच को ब्रेडबोर्ड पर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, अभी हमने टेस्ट भी किया है, ये दो जो लेग्स थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है वो आपस में कनेक्टेड हैं। ब्रेडबोर्ड पर हमें पता है कि कॉलम्स कनेक्टेड होते हैं, तो कनेक्टेड लेग्स को हम सेम कॉलम्स में इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने, ये कॉलम्स कनेक्टेड है और ये लेग्स भी इंटरनली कनेक्टेड है। ये देखिए, अगर हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो मैंने यहां पर रखा रेड और यहां पर रखा ब्लैक, तो देखिए ये कनेक्टेड है, कॉलम भी कनेक्टेड है हमें पता है ब्रेडबोर्ड में, और टर्मिनल्स भी कनेक्टेड है, लेग्स भी कनेक्टेड है स्विच के इंटरनली। मैंने अभी स्विच को प्रेस नहीं किया है। और अगर मैं यहां पर फ्रंट साइड के दोनों लेग्स देख रही हूं तो देखिए ये कनेक्टेड नहीं है, ब्रेडबोर्ड भी कनेक्टेड नहीं है रो वाइज और स्विच भी इंटरनली कनेक्टेड नहीं है। अब जब हमने स्विच को ऊपर से प्रेस किया, ये देखिए, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के टर्मिनल्स राइट हैंड साइड के टर्मिनल से ज्वाइन हो गया। ये देखिए, रिलीज किया, सर्किट ओपन हो गया, सर्किट को क्लोज, स्विच को मैंने प्रेस किया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अगर आप ब्रेडबोर्ड पर इस स्विच को माउंट करेंगे तो आप जो हमारी लेग्स ऑलरेडी इंटरनली शॉर्टेड है उनको आप सेम कॉलम्स में लगाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हम माइक्रो स्विच को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।